Thank you.
हाँ जी, एक तो है जो मास्टर का मास्टर का संग्रह है और मास्टर का कौन मास्टर का डॉक्टर डॉक्टर नारायण का जगत में का जगदम्बा भक्ति मार्ग में शंकर के साथ पार्वती को दिखाते शंकर को महादेव कहा जाता है और पार्वती को महादेवी कहा जाता है। गायन है जगत पिता जगदम्बा का, परंतु जगदम्बा को और जगत पिता को साथ साथ गाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। क्या कारण है? कोई कारण है या नहीं कारण है? जगदम्बा के पुजारियों के लिए खास बोला है। जगदम्बा के पुजारी है रावण संप्रदाय। जगदम्बा महाकाली बनती है, परंतु महागौरी के लिए कभी भी नहीं बोला है। महागौरी देवी नहीं है क्या? है या नहीं है? है, परंतु उसके लिए कभी भी नहीं बोला है कि महागौरी के पुजारी रावण संप्रदाय उनके। परंतु ये बात जरूर है कि सब देवियों की पूजा होती है, चाहे वो अव्वल नंबर में दिखाई जाने वाली देवी हो और चाहे अंतिम नंबर में दिखाई जाने वाली देवी हो। पूजा का आधार होता है प्योरिटी, मैंने पवित्रता का सहयोग नंबरवार सभी देवियों ने दिया। जो सभी देवियों ने नंबरवार पुरुषार्थ यह है पवित्रता का, तो नौ देवियों का प्योरिटी का जो पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ में नौ देवियां आपस में संगठित होने वाली है या लून पानी होकर रहने वाली है? संगठित होने वाली है। यूनिटी वही बनेगी, वही दिखाई देगी जहाँ प्योरिटी होगी। ये जो यूनिटी है इस बात की यादगार है कि नंबरवार प्योरिटी को धारण किया, इसलिए अव्वल नंबर में जाने वाली जो देवी है उसकी पहले पहले पूजा होती हो। वो जब तक अपनी हमजिंस को ऊंचा ना उठाए तब तक प्रत्यक्ष पूरा नहीं हो सकती, इसलिए लक्ष्मी अकेले की यादगार नहीं है। लक्ष्मी महालक्ष्मी भी तब बनती है जब और जो सहयोगी शक्तियां हैं उनके साथ भी मेल मिलाप हो जाए।
के लिए जगदम्बा लक्ष्मी के साथ स्वभाव संस्कार से जब तक मिश्र न हो जाए तब तक लक्ष्मी का भी पुरुषार्थ पूरा नहीं हो सकता। और जब स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो संपूर्ण माता कही जाती है, वैश्य भी कही जाती है, और उस वैश्य भी देवी का सबसे बड़ा मेला लगता है। उसमें भले जगदम्बा की भी मूर्ति दिखाई जाती है, दोनों का पुरुषार्थ संपन्न तब ही माना जाएगा जबकि एक दूसरे के प्रति शुभावना और शुभ कामना हो। ब्रह्मा को विष्णु वाली आत्मा है तो वो माता तो एक ही आत्मा होगा है, ब्रह्मा को विष्णु वाली आत्मा है और जो लक्ष्मी का आत्मा जो लक्ष्मी का हाँ जी लक्ष्मी का पाठ बजाने वाली आत्मा है। विष्णु में कितनी भुजाएं हैं माने कितनी आत्माएं हैं भुजाओं के रूप में, चार आत्माएं हैं। कोई भुजाओं के रूप में ऊंचा पाठ बजाने वाली है, कोई भुजाओं के रूप में नीचा पाठ बजाने वाली है, कोई भुजाओं के रूप में लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाली है, कोई भुजाओं के रूप में राइटिस्ट पार्ट बजाने वाली है। लेकिन भुजाएं खुद चलने वाली है या चलाने वाला कोई दूसरा होता है, उन भुजाओं को चलाने वाला मन बुद्धि जो है वो सर्वोपरि दिखाई जाती है। इसलिए विष्णु चतुर्भुज के रूप में चार आत्माएं हैं भुजाओं के रूप में और उनको चलाने वाला एक है बाप। कौन सा बाप? जो इस मुरली में बताया कि बाबा के साथ है बृहस्पति, रावण के साथ है राहु, जो मां सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। वो सर्वोपरि है, तीन देवताओं के बीच में भी उसे महादेव कहा जाता है। वो आत्मा संगम युग में भी भुजाओं को चलाने वाली साबित होती है। इसलिए विष्णु के रूप में उस रूप ज्यादा पूजा जाता है गाया जाता है या स्त्री रूप ज्यादा पूजा जाता है गाया जाता है, उस रूप की ज्यादा गायन और पूजन होता है। बाकी वैष्णवी देवी के रूप में पूजन भले उतना ना होता हो लेकिन मेला सबसे बड़ा का लगता है, देवी का लगता है, जगदम्बा का लगता है, वैष्णवी का लगता है, किस बात की यादगार है। बाप के साथ स्वभाव संस्कार का मेल सबसे जाती पुरुषार्थ जिन आत्माओं ने किया है वो दो ही आत्मा है, जगदम्बा और वैष्णवी। एक है लेफ्टिस्ट के रूप में पाठ बजाने वाली, विनाश के बगैर प्रत्यक्षता होगी क्या?
हो जाएगी? नहीं हो सकती। और एक है रैचिस रूप में पार्ट बजाने वाली देवी, दोनों के स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाते हैं तो एक ही माता हो जाती है। एक ही विश्व पिता हो जाता है। बाबा वो नौ देवियां जिसे कहा था नवदुर्गा, तो उसमें जगदम्बा और वत्सा देवी भी आई है। नवदुर्गा तो बाबा तो बोला जे देवी तो एक ही होती है, ओंगा तो सरस्वती उसमें प्रवेश करती है, लेकिन जगदम्बा और वत्सा देवी बाबा अभी अभी जो बोला तो जब प्रकट होता है एक ही महालक्ष्मी होता है, लेकिन नवदुर्गा जिसे नौ देवियां उसमें तो वो है पटनाजी। क्या पूछ रहे हैं? उधर नौ देवियां कहते हैं तो पर्सनालिटी कौन कौन है? नौ देवियां का पर्सनालिटी उसी नौ देवियों की पर्सनालिटी है, वही नौ नामों के रूप में पूजी जाती है। नाम शरीर के ऊपर पड़ता है या प्रवेश करने वाली आत्मा के ऊपर पड़ता है? ओम राजे सरस्वती प्रवेश करने वाली आत्मा है या अपना शरीर है उनका, यही अंतर पड़ जाता है। तो पासवाड़ी कौन होगा? अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग जो तिरासी में सुनो एक साथ सरेंडर हुआ था वो उसको गायब है क्या? एक साथ सरेंडर हुआ था वही नॉइज है। नहीं थी नहीं। एक सरेंडर होता है दुनिया को दिखाने के लिए, दिखाने वाले में ज्यादा ताकत होती है गुप्त होने से, या जो गुप्त पुरुषार्थी होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है। जो लक्ष्मी का पार्ट है, जो ब्राह्मणों की दुनिया में 76 से ही प्रत्यक्ष हो जाता है, वो गुप्त पुरुषार्थी है। ये अंतर पड़ जाता है। तो नौ देवियां कौन कौन होता है बाबा? कौन को कलकत्ते में बैठ करके पूछ रहे पर्सनालिटी को? गंगा हुआ, गंगा गंगा देवी नहीं है क्या? देवी तो है। हाँ जी, जगदम्बा लक्ष्मी सरस्वती। अब गिनाओ मत। अभी नौ देवता ही प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, उनके पार्ट ही क्लियर नहीं हुए हैं, तो नौ देवियों भी तुम कहाँ से पूछने लगे? और ये तो अवैधवाणी में बोल दिया कि बाप दादा बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके या पूछने से पार्ट नहीं बता देंगे। स्वयं ही अपनी अपनी योग्यताओं से, अपनी अपनी चरण से, दृष्टि से, वृत्ति से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। जितने भी दुनिया में फल है, मान लो सत्य रूपी वृक्ष है, कोई भी वृक्ष होते हैं, कोई भी पौधे होते हैं, तो जब उगाए जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनका जो पहला फल पहला बीज है वो नई शक्ति की शुरुआत के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही ये मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष है, तो मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष में
कौन सी चीज सबसे ज्यादा उपयोगी है जिसके लिए वृक्ष लगाए जाते हैं? फल। ऐसे तो फूल भी है, कलियां भी है, और भी है, पत्ते भी है, टहनियां भी है, तना भी है, जड़े भी है, लेकिन वो सब इतने उपयोगी नहीं है। फल बहुत उपयोगी होता है। तो सत्य व्यक्त के जो भी फल है उन फलों में फलों का राजा है आम। संस्कृत में उसका नाम है आम्र। आ और आते ही मर जा। क्या आ माने क्या? ज्ञान में आया और आते ही देर नहीं लगाई मर गया। जैसे बाबा कहते हैं जो अपने कुल का होगा तो थोड़ी भी नाली सुनेगा और फिदा फिदा हो जाएगा। तो ये श्रेष्ठता की पहचान है वो आम्र फल। सब फलों का राजा कहा जाता है और पकने के बाद उसमें से जो बीज निकलता है उस बीज से नई शक्ति रूपी वृक्ष का आरोपण किया जाता है। प्रश्न का जवाब समझ में आ जाना चाहिए। क्या प्रश्न था? जो बीज है ना वो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है और बीज बनने से पहले वो फल है और वो फल ऐसा होता है जिसके लिए गाय में है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तब से अंत में सन्यासी निकलेंगे और जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। विजय तो बाद में होती है परंतु जो सच्ची व्यक्ति का आम है वो आम फेंक दिया जाता है। फेंकने वाले भक्त होंगे या ज्ञानी होंगे? ज्ञानी होंगे। ऐसा भी टाइम आता है परीक्षा का कि जिस टाइम पर एक की कोई मान्यता नहीं रहती और जो ढेर के ढेर सन्यासी निकलते हैं जो देवियों की पूजा करते हैं मान मर्तबा बढ़ाते हैं उनकी बहुत मान्यता हो जाती है। तो अंत में जो बाप गुप्त हो जाता है उस गुप्त बाप को न पहचानने वालों की लिस्ट में
अष्टदेव भी आते हैं या नहीं आते हैं? अंतिम जन्म में सजा न खाने वाली आठ आत्माओं को आठ न कहो सात कहो, उन सात से सातवाओं को माया हप करती है या छोड़ देती है? उनको भी हप कर लेती है। जब उनको भी हप करती है तो वो बाप को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं या पकड़े रहते हैं? फेंक देते हैं। जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनने वाले हैं कोई भी बाप की वैल्यू को नहीं समझते, फेंक देते हैं, तो और दूसरी आत्माओं का क्या हाल होगा? पावर के पीछे जाते हैं। पावर के पीछे? हाँ जी, अभी भी बेसिक नॉलेज में न समझने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े बड़े आदमियों के पीछे जा रहे हैं, बड़े बड़े सन्यासियों के पीछे जा रहे हैं, मिनिस्टरों के पीछे जा रहे हैं, लखपति करोड़पति अरबपतियों के पीछे जा रहे हैं, या ज्ञानी तू आत्मा बाप के जो गरीब बच्चे हैं उनके पीछे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बेसिक नॉलेज में जो कुछ भी हुआ है एडवांस नॉलेज में वो सब रिपीट होगा या नहीं होगा? होगा। तब ऐसी स्थिति आ जाएगी है? कोई नहीं रहेगा, कभी कभी आप क्या समझते हैं कि कलयुग अंत में कोई सूर्यवंशी रह जाते हैं? रह जाते हैं सूर्यवंशी? जब कलयुग का अंत होता है, बाप का आना होता है, उस समय सूर्यवंशी दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं। जैसे दिखाया जाता है बत्ती मार्ग में, सूर्य ग्रहण संपूर्ण सूर्य को राहु ग्रस लेता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। दोपहर के 12 बजे भी घोर अंधेरा हो जाता है, माया ऐसा भी विकराल रूप धारण करती है। पनिशमेंट क्या मिलता है? है? इसके लिए पनिशमेंट क्या मिलता है? जब बाबा को तो फेंक देते हैं, इसके लिए तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये पनिशमेंट तो कम है क्या? जो बाबा हाथ में आया, बुद्धि में आया, वो हाथ से निकल गया, ये कम पनिशमेंट है क्या? वापस नहीं आएगा सबका बीच में? नंबर बार आएगा या एक बार आएगा? बाबा बोला हो आम को फिर भेज देते हैं संदासी को, भेज देते भेज के पास आते हैं। जो चीजें बहुत वैल्यूबल होती है, मानो कहने को हीरा है, वो बेचा जाता है, है? नहीं, जिसकी वैल्यू नहीं समझते हैं उसको बेचा जाता है। अच्छा मुनि ने कहा है जब भगवान आते हैं तो माली तो आते हैं, तो माली किसका कहते हो? जो बाप आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं या अकेले आते हैं? मूर्तियों के साथ आते हैं। एक माली ऐसा है जो ब्राह्मणों के बगीचे का मुखिया है, एक माली ऐसा है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला के पुरुषार्थी है, कोई भी माला हो, चाहे रुद्रमाला ही 500 करोड़ की क्यों ना मुखिया है, और एक ऐसे पुरुषार्थी है
जो देवताओं का मुखिया उनके साथ माली के रूप में होता है विष्णु, तो तीन मालियों के साथ आता है या अकेला आता है? तीन मालियों के साथ आता है। और मोबाइल तो रिटर्न कराने का वो क्या है, एक बार मेरा मोबाइल फोटो खींचता है जो भाई मोबाइल लेके फोटो खींच रहा है तो भाई का नाम क्यों नहीं बता रहे है? कौन है भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना, क्या मुसीबत आ गई है? मोबाइल नहीं है, मुंह बाहर रहा है, है? अरे यहाँ तो मोबाइल ले लिए जाते हैं मीटिंग मीटिंग नगरों में, मोबाइल जगह पर दिए जाते हैं। आपका सारी मुर्गी रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है आपको गलत फहमी हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जरा ले लो, दूर दूर में है ना, देखा नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, बात नहीं आता है तो लेके देख लो। मोबाइल तो चलना पड़ता है ना, बाबा की सभा में सुपरवाइजर भी होने चाहिए। वेरी गुड, मोबाइल तो ऑलरेडी अभी भी मौजूद है क्लास में, उसका कोई नहीं वाला है, दिन भी हुआ है। आगे चल के ये ब्राह्मणों का किला पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि जिसमें एक भी श्रीमती पर खिलाफी करने वाला पांव रख नहीं सकेगा। बाबा जैसे 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले, तो कृष्ण किशोर जो है जन्म लेने वाले में आते हैं, फर्स्ट क्लास रचना होता है, फर्स्ट क्लास रचना है, तो फिर जो रचयिता नंबर वाले हैं 4.5 लाख में, उनके दादा कैसे हुए? उनके दादा कैसे हुए, बड़ा भाई कैसे हुए? कृष्ण जब रचना है, कृष्ण जब बच्चा है, बच्चा है वो 4.5 लाख, और उसको जन्म देने वालों का जो परिवार है वो परिवार में सब बड़े हैं कृष्ण के मुकाबले या छोटे हैं? सब बड़े हैं। तो लेकिन दादा कैसे हुए उनका? नंबर वन जो 4.5 लाख जो है जन्म देने वाले, उनका दादा कैसे होंगे? कृष्ण रचना है, उनका दादा ऐसे हो गया कि सबसे पहले दादा को पहचाना या बाबा को पहचाना, इसको पहचाना ब्राह्मणों ने पहले, किसको पहचाना, ब्रह्मा को पहचाना या जो बाबा को पहचाना? जगन्नाथ का हाथ कटा हुआ है, ये हाथ कहो या भुजा कहो ये काय बात की निशानी है, सहयोगी की निशानी है, ब्रह्मा को हजारों हजार सहयोगी बन जाते हैं क्योंकि मीठा मीठा पाइप है, दिखावे का पाइप है। कृष्ण और कैंट की राशि क्यों मिलाई जाती है? अरे
क्रिश्चियन धर्म में दिखावा होता है या नहीं होता है? उन्होंने ये दिखावा कहाँ से सीखा है? रंगमंच में कृष्ण वाली आत्मा से सीखा। ऐसे भी कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के। और कोई प्रूफ मांगे तो प्रूफ भी मुरली में है। हिंदू सभा महासभा का मुखिया सावरकर आया था बाबा से मिलने। वो सावरकर की बहुत मानना की गई, सम्मान किया गया, बहुत खातिरी की गई। और जब वो चला गया तो बाबा ने बच्चों के सामने बोला, ये तो नहीं देवी देवता सनातन धर्म में आवे। तो ये दिखावे का प्यार है, ये असली प्यार है, दिखावे का प्यार। और मुरली में बोला है इस ब्राह्मण परिवार में जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो बहुत खतरनाक और खौफनाक है। ऐसा साकार में मेरे नजदीक नहीं आ सकता। सौ परसेंट खौफनाक खतरनाक तो बाप के 100% नजदीक कभी नहीं आ सकता। बाबा वाणी में बोला गया कि अंत में सभी बाबा सारे के सारे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन मोड़ी बोर्ड आत्माएं बाबा का साथी बन के रह जाते हैं। मुट्ठी बोर्ड आत्माएं बाबा का साथी बन के रह जाते हैं, हमें बाबा को सहयोग देते हैं, तो मुट्ठी बोर्ड आत्माएं कौन है? अंतिम जन्म में आज ही है जो पहले सहयोग देते रहते, परंतु अंत में जब फाइनल पेपर होता है तो माया उनको भी नहीं छोड़ती है। बाबा 23-73 की जो पहली ऑब्जेक्ट मानी थी उसमें बाबला ने कहा था कि निमित्त कौन है तुम लोग जानते ही हो, साथ में कुमार का सहयोगी रहेगी। और फिर एक साल के बाद 18-71 को व्यक्त में अब भी सहारा है, तो उस बीच में बाबा कहाँ थे? उस पीरियड में बाबा कहाँ थे? क्या कहा था? मतलब 18-21-69 18-71 के बीच बीच में बाबा का बड़े कैसा पार्ट था? बाबा का कैसा पार्ट था बीच उस पीरियड में? जैसे व्यक्त में अब भी सहारा है, सहारा है तो वो सहारा साकार में बैठा होगा ना ब्राह्मण दुनिया के बीच में, इसलिए बोला कि व्यक्त में अभी भी कहा है। एक वार्तालाप में सुना है गायत्री कहते हैं पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती, पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती, तो बाबा पार्वती और लक्ष्मी से एक ही पत्नी की है ना गायत्री, जो गायत्री मंत्र कहते हैं ना। जगदम्बा सरस्वती लक्ष्मी और तीन देवताएं है ना, तो तीन देवताओं की तीन देवियां भी है, तीनों ही देवियों के लिए बोला गया है। उन्हीं तीन का विशेष गायन है। तीन देवियां कौन तो ना, तीन देवताएं भी भूल गए, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर। शंकर का जो पार्ट है वो 500 करोड़ के बीच में जगत पिता का पार्ट है ना, जो जगत पिता का पार्ट है उस जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है।
विष्णु के साथ वैसे भी है और ब्रह्मा के साथ सरस्वती है। राम को रावण राम ने रावण को बच कर राम ने रावण को रावण अपने अंदर होता है या रावण बाहर होता है क्या पूछा खा गए के साथ तो क्लियर किए गायत्री हो सकता। अरे अभी तो पूछा जिन तीन देवियों का गायन है स्त्री माने तीन गाय माने गायन स्त्री गायत्री इन तीन देवियों का विशेष गायन है उनका संगठित रूप ही गायत्री है। मुगल गार्डन का मतलब है जिस धर्म वालों ने भारतवर्ष में लंबे समय तक राज्य किए उनका नाम पड़ा मुगले ग्लानी करते करते सनातन धर्म की जनता मुंह गल गया। उनका गार्डन वो ऐसा धर्म है जो विदर्मियों विदेशियों के बीच में सबसे पावरफुल धर्म। जब वो आते तो देवी देवता सनातन धर्म का गार्डन तो प्रायः लोप हो जाता है तो अब्बल नंबर कौन सा दिखाई पड़ेगा है? अरे मुगल गार्डन ही अब्बल नंबर दिखाई पड़ेगा तो हाई हाँ। आज का मूल्य में मसानी का बैराग सुना मसानी क्या मसानी मैंने इस्मतानी इस्मतान का बिगड़ा हुआ रूप है मसानी। तो पार्वती और लक्ष्मी एक ही पर्सनैलिटी है अलग अलग वती मने वाली जैसे धनवती धनवाली धनवान धनवाला कहते हैं ना ऐसे ही पार्वती पार लगाने वाली जो भी देवियां हैं उन देवियों के बीच में पार लगाने वाली कौन सी साबित होती है? और पटरानियों के रूप में गाई जाती है और एक ऐसी है जिसको महारानी के रूप में पद मिला हुआ है वो एक ही है दूसरी नहीं है। उसका नाम महाभारत में भागवत में राधा दिया हुआ है राम माने राम धा माने धारण करने वाली राम पुरुष है यह स्त्री का नाम है और ये नाम संगम युग का नाम है वास्तव में या सतयुग त्रेता का नाम है और संगम युग में जो राम नामधारी पुरुषार्थी है वो पुरुष रूप होने के कारण दुर्योधन दुशासन है या देवता है क्या है, है? आदि कहते देवता आदि कहते दुर्योधन दुशासन
अरे सब पुरुष दुर्योधन तो शासन है, इसका मतलब क्या हुआ? एक के अलावा कहाँ कहाँ एक के अलावा? ये तो आपने ऐड कर दिया, भक्ति भरी हुई है दिमाग में देहधारी के लिए। जिनके दिमाग में से देहधारियों के लिए भक्ति खत्म हो गई, उनके लिए कौन सी आत्मा श्रेष्ठ है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति मार्ग में गाते भी है, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। रामचंद्र ने 63 जन्म में अपनी दुर्गति को बचा पाया, तो दूसरों की सदगति कहां से करेंगे? कौन क्लियर नहीं हुआ बाबा जी? क्या क्लियर नहीं हुआ? पार्वती कौन पार्वती? जो पार लगाए सो ही पार्वती। अभी तक 70 साल बीत गए, बेसिक नॉलेज भी क्रॉस कर ली, एडवांस नॉलेज भी क्रॉस कर लिया, ज्ञान का पूरा भंडार सामने आ गया, पार लग रहे हैं या मझदार में है? तो मझदार में है। तो फिर पार लगाने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला? विजयमाला में तो ढेर मड़के, ढेर शहर की मक्खियां के लिए बोला है आवाहन करने के लिए, पार लगाने वाली होगी। बाकी सब तो होने वाले होंगे। लक्ष्मी भी लक्ष्मी तब कही जाती है जब महालक्ष्मी के स्वभाव संस्कार मिलकर के लक्ष्मी के साथ एक हो जाए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं है। सात बहु की लड़ाई होती रहेगी। राधा कृष्ण की राधा कृष्ण द्वारा आप लोगों ने प्रकट होगा, राधा कृष्ण द्वारा संगम राधा कृष्ण 2018 में प्रकट होगा, उसका जन्म हो जाएगा, पुत्र की जन्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने संगम जी की जो कृष्ण है वो तो सत्य नारायण बनते हैं, और संगम जी को जो राधा है वो तो लक्ष्मी बनते हैं। दोनों फिर राधा कृष्ण से लक्ष्मी नारायण बनने में 2036 साल तक 18 साल लगता है, और उससे पहले ही बन जाए। यहाँ कोई बच्चा है राधा कृष्ण, यह शरीर में बड़ा है, संगम युग का जो राधा कृष्ण है, यह संगम युग का जो लक्ष्मी नारायण है वो बड़ा शरीर वाला है, यह शिशु है बच्चे के रूप में। शारदीय शरीर बड़ा है ना, तो जैसे आप पूछ रहे हैं वैसा उसका उत्तर नहीं हो सकता। वो नारायण भी है, वो कृष्ण भी है, वो शंकर भी है, वो प्रजापिता भी है। ऐसे बोला जाता है कि स्वयंवर होने का बोला जाता है, जो बोला जाता है वो समझने की भी चीज है। राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं, और जो स्वयंवर है स्वयंवरण है वो संगम युग की बात है या सत्युग की बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में पीपल के पत्ते पर कृष्ण क्या पहले से नहीं है? वो तो गर्भ की बात हो गई, चलो छोड़ दो। फिर उसके बाद गर्भ से उसका पहला जन्म नहीं होता क्या? अरे
हमारी द्वापर के अंत में कृष्ण की प्रत्यक्षता दिखाई गई ना, तो पहला जन्म और दूसरा जन्म दो जन्म ब्राह्मण के हैं या नहीं है? तो पहला जन्म है तो भी कृष्ण है, जो भागवती दिखाई गई है वो भागवत प्रत्यक्षता से पहले की बात है या प्रत्यक्षता के बाद की बात है? पहले गीता ज्ञान आता है, गीता ज्ञान सुन करके गोपियां भागती है, भागवत होती है, और जब भागती है तो दुर्योधन दुशासनों को गुस्सा आता है, तब क्या होता है, महाभारत होता है। और जो बारे में बताया है तलवार लेकर के संपत्ति भवन में आएगा, उसको संहार करेगा, यहाँ उसका घोड़ा कौन सा है? यहाँ रथ की बात नहीं, घोड़ा कौन सा है? मनरूपी घोड़ा है, इस मनरूपी घोड़े को कलंकी धर के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका रंग कैसा है घोड़े का? काला क्यों है? क्योंकि कृष्ण जितना काला दिखाया गया है उतना और कोई देवता को काला नहीं गायन है। तो मन रूपी घोड़ा काला है, उस घोड़े को कंट्रोल में करके उस रूपी लगाम हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में ज्ञान की तलवार उठाई हुई है, और कलंकों को धारण किया हुआ है। सारी दुनिया कलंक लगाती है, टीवी में कलंक, अखबारों में कलंक, रेडियो में कलंक, इंटरनेट में कलंक, कलंकों की बौछार होती है, और वो बड़े आराम से उन कलंकों को स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है। इसलिए कलंक की तरह अवतार गाया हुआ है। बाबा ने कहा कि रामकृष्ण माता कन्या का आधार लेते हैं और दूसरा धर्म के लोग जल का आधार लेते हैं, इसका बेहद साफ क्या हो? जो कछुआ का अवतार है, कछुआ पानी का आधार लेता है या कन्या माताओं का आधार लेता है? सुअर का अवतार है, सुअर कीचड़ में लौटता है, कीचड़ में लौटना पसंद करता है या बाहर अच्छा लगता है उसको? काफी कीचड़ में ही अच्छा लगता है, शुद्ध पानी तो नहीं है लेकिन पानी तो है ना। ऐसे जितने भी अवतार दिखाए हैं वो जानवरों के अवतार हैं, वो जानवर के जो अवतार हैं वो अपने को भगवान कह करके सम्मान लेना चाहते हैं, और भगवान का कहना है कन्याओं माताओं को सम्मान देना है, कन्याओं माताओं का रिगार्ड करना है। वो कन्याओं माताओं का आधार न लेकर के, पवित्रता का आधार न लेकर के अपनी बुद्धि में से जो ज्ञान उपजता है, जिसे ज्ञान जल कहा जाता है, इस जल का आधार लेकर के चलते हैं। इसलिए वो जानवरों के अवतार है और वो मनुष्य अवतार है। लेकिन वो जब माता कुंड बाबा का जो श्रीमोस है उसके बरखिलाफ चलती है तो उस समय रामचंद्र क्या करेगी? क्या करेगी? हाँ,
माता कौन नाम तेरे माता का नाम दिमाग का बर्फी कब चलती है आधार पर नहीं चलते हैं क्या करें बाबा ने कभी बोला है कि परचिंतन करो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा हम ला हाथ को उठाने वाले हम कौन होते हैं बाबा ने किसी को सत्ता दी हम सत्ता के ऊपर उंगली हटाने वाले कौन होते हैं ना हमको अपने हाथ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बाबा जाने बाबा का काम जाने हम बच्चों जब घर संख्या में रहते हैं हम बच्चों जब घर संख्या में रहते हैं घर गृहस्थ में उसको तो माता कन्या के साथ तो रहते हैं तो जब दिमाग का उल्लंघन होता है दिमाग पर चलते नहीं पाते तो कन्या माता जब उसको बरकिला करते हैं उसको बाधा अपदायी करते हैं गारंटी करते हैं कि आप श्रीमद के अनुकूल ही चलते हैं आप गारंटी करते हैं नहीं गारंटी नहीं करते कोशिश करते हैं ये बात क्या करना चाहिए ये बात बिल्कुल गलत है उस पर क्या करना चाहिए उत्तरों के ऊपर उंगली उठाना जिसको बाबा ने पहले ही घोषित कर दिया कि इनके हाथों में पावर दी है सड़क का गेट खोलने की वो पावर कोई आधार पर तो दी होगी और वो आधार आप महसूस भी करते हैं कि उनके अंदर क्या पावर है जो बाबा ने उनको पावर दी है महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं करते हैं हर युग का 50 साल संगम युग है हर युग का 50 साल संगम समय 50-50 साल संगम युग संगम समय दोनों का 50% ना का संगम समय 50 साल होता ना तो कोली और सत्र का संगम समय 50-50-100 साल तो सत्र और चेता का 50-50-100 होगा 25-25 साल निकालो तो कोलिया शुद्ध का एक्सन होता है ये अंत हो रहा है चतुर्युग का और बाकी सब 25-25 साल हाँ जी वो सिर्फ संगम युग है पुरुषोत्तम संगम युग नहीं फिर भी और यहाँ यहाँ विशेषता क्या है ये पुरुषोत्तम संगम युग है वो डापुर का आज का आदि वहीं पर यदि 25 साल होगा तो 125 हो जाएगा 125 ये द्वापर के अंत से 25 और कलयुग के आदि से 25 25 साल हुआ 50 साल हुआ हाँ वो 50 साल हुआ आपने कोली का वो 25 साल हुआ ना है सिर्फ कोली के लिए 25 साल हाँ और आंत में भी कोई और 50 साल हाँ तो 75 ईयर्स हो जाता है ये कोली के लिए 75 ईयर्स हो जाता है क्यों और सब युग का 25-25 साल होगा हाँ लेकिन संगम समय 50-50 साल होगा हाँ लेकिन ये कोली का अंत यदि 25 साल होगा और ये 50 साल लेकर के 75 ईयर्स हो जाता है कहाँ 75 ईयर्स हो जाता है डापुर का अंत और कोली का आदि डापुर का अंत और कोली का आदि 25-50 साल संगम समय तो कोली में 25 साल आ गया संगम समय कैसे आ गया यदि दो युग का संगम समय 50 साल होगा तो दापर का अंत और कोली का आदि 25-25 साल होगा ना तो संगम समय कोली में आया 25 साल आदि में ऐसा नहीं है हिसाब ऐसा है कि द्वापर युग से जो भी जन्म मिलते हैं उन जन्मों में चाहे पाप करता है मनुष्य और चाहे पुण्य करता है लेकिन जो पाप और पुण्य करता है
उसकी गति अगर धीमी है तो धीमी गति के कारण वो कलयुग के अंत में ऐड होता है, और अगर तीव्र गति है पाप और पुण्य की तो दूसरे तीसरे जन्म में भी उसका फल मिल जाता है। तो तीव्र रूप से पाप करने वाले या तीव्र रूप से पुण्य करने वाले उनकी संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। छोटा में वो अकाल मौत नहीं होता है, लेकिन वो तो सत्य और चेता का संगम समय तो भारी विनाश होता है, वही पर तो कुछ मर जाता है। संगम समय भारी विनाश होता है, सत्य और चेता का बीच में संगम समय तो अर्थ विनाश होगा, वो आधा विनाश होता है, लेकिन सत्य और चेता का समोसम कुछ विनाश नहीं होता, कोई विनाश नहीं होता है। तो और ये तो बयालीस का सेवा प्राण होता है, और बयालीस के बाद जो सीता माता बड़ी माँ कौन सी है? छोटी माँ और बड़ी माँ के बीच में पतित पने का पांच तिरसठ जन्म में ज्यादा बजाने वाला कौन है, और पावन पने का पांच बजाने वाला ज्यादा कौन है? तो जो बात तो पतित में आवेगा या पावन में आवेगा? पतित में आएगा। सैतालीस के बाद जो सैतालीस से शुरुआत होते ही मुरली चलना शुरू हो गई ब्रह्मा भवन। इक्यावन से नहीं, तुम मुरली पढ़े नहीं ऐसे मुरली को पढ़ो, मुरली को बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई। कराची जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब राजधानी बनी थी, वहां से मुरली निकलती चली आई है। तो मतलब सैतालीस से मुरली निकलना शुरू हुई है। वो अठारह अध्याय तब के है जब आकर के स्थापना हो गई और नाम डाल दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उससे पहले नाम नहीं डाला गया। मुरली में आए थे पहले बाप बैठ करके लिखाते थे, बयालीस में तो बाप चला गया ना, उसके बाद जो सुप्रीम सोल है वो बाप है या नहीं है? बाप है। और जो लिखने वाली है जिनमें प्रवेश करेगा उन्हीं के द्वारा लिखवाएगा ना, तो बड़ी माता में प्रवेश करके। हाँ, बड़ी माता में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा ने लिखा। उसमें तीन की वाणी नहीं, उसकी वाणी वो थी जो शुरुआत में चलेगी, क्योंकि वाणी को तो उन्होंने बाद में दबा दिया। हाँ जी, नाम निशान खत्म कर दिया उस वाणी का। और उस समय तो सीता माता, आज जो राधा बच्ची जो थी, राधा बच्ची भी तो मैंने शिवग्राम को वाइफ थी। हाँ, तो वो भी मैंने कलयुग का अंत में पोती भी थी। हाँ, तो पतित एक के साथ जो पतित बनता है कलयुग में उसको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पावन। कलयुग में तो सारे ही व्यभिचारी हो जाते हैं, और सारे ही व्यभिचारियों के बीच में अगर अंतों में एक काना राजा दिखाई पड़े तो उसको फायदा कहेंगे या नुकसान कहेंगे? बाबा हम तीन पीयू का बानी फिर निकलेगा क्या? पीयू का जो बानी है लास्ट में निकलेगा क्या? बाबा सच्चाई जो है उसको कितना भी दबाया जाए सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी? सवाल ही नहीं है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलती
बाबा आदि का भी फसल है क्यों की बनी चल 42 का क्यों की बनी चल सर्वक्रम की माध्यम से और बाद में उत्तम के माध्यम से जो वाणी कर उसको वाणी कह जाएगा और उसका बात ऐसा हम लोग ऐसा बोलते थे 1946 में गीता माता बड़ी छोड़ जा बाद में राधा बच्ची जब बचाते थे तो राधा बच्ची का राधा बच्ची यज्ञ चलाते थे ये नहीं कह सकते क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना मैं छोटी माँ हो या बड़ी माँ हो दोनों का शरीर छूट चुका था और जन्म ले चुकी थी तो गीता माता का बात डायरेक्ट मैंने दादा लेकर बहुत उत्सुक है वो बाबा आपने अभी अभी बोला ना जब ब्रह्म हुआ जितने दो तो उसका जब बाबा ने बोला इशु कोई नहीं एक था इशु कोई वो 51 के बाद वो कॉटन करते हैं जो वो तो जब वो माउंट आबू में होता हाँ जी वो 47 अच्छा पहले अच्छा शास्त्र ने बोला है गणेश मुख से बोलते हैं और बैठ देखा क्या गणेश हाँ मुख से बैठे थे में जो बात आई है कि व्यास बोलते जाते थे और उनकी शर्त ये थी हम जितना जल्दी फास्ट गति से बोलते जाए उतनी जल्दी जितना भी पड़ेगा तो गणेश जी लिखते जाते थे जो भक्ति मार्ग की बात है ये लिखना करना जो है गीता का या कुरान का या बाइबल का या धम्मपद का ये कई वर्षों के बाद हुआ है या उसी समय हुआ कई वर्षों के बाद हुआ इसलिए जो चीज बाद की होगी वो तमो प्रधान मिलावट वाली होगी या सच्ची होगी इसलिए जो भी धर्म पिता आता है वो ओरली डायरेक्ट सुनाता है जो डायरेक्ट सन्मुख सुनते हैं उनको जो प्राप्ति होती है बाद वालों को तो प्राप्ति नहीं हो सकती वो चाहे गीता हो चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो और मुरली का मावा कहा है कि हिंद में बाबा मुरली नहीं चला सके रात को 2 बजे उठ करके बाप लिखाते थे फिर बाबा लिखते थे फिर उसकी 10 मिनट करके काटिया निकालती थी ये जो कहानी है ये गीता माता के द्वारा चला गीता माता के द्वारा फिर बाप को लिखाते थे इसको ही तो पीयूषी वाणी कहते हैं पीयूषी वाणी पीयूषी वाणी पहले प्रोग्राम के मुख्य वाणी चला उसको पीयूषी वाणी कहा गया हिंदी भाषा में था ना बाबा हिंदी भाषा हिंदी भाषा बाबा शुरू से ही लेकर अंत तक हिंदी भाषा में बोले हैं या दूसरी भाषाओं में बोले हिंदी में ही बोले माता पूछ रही पहले छठ पूजा करते थे अब छठ पूजा ज्ञान में आने के बाद नहीं करेंगे क्या कोई मना नहीं करेगा तुमको करो भगवान बोला है जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी है
किसको कहा जाता है? माने क्या और बुद्धि रूपी पांव में मनन चिंतन मंथन करके उसका आलोड़न करके जब पांव धोए जाते हैं तो ऐसे ऐसे मला जाता है ना, तो आलोड़न करके जो अमृत निकलता है। बाबा ने भी कहा अभी मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, जब बाद में जब मनन चिंतन मंथन होता है तो उसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। वो तो देहधारी गुरु है, जो देहधारी गुरुओं की बात उठाई गई है वो कांच उठाई गई है। सारी दुनिया ने, सारी दुनिया के गुरुओं ने, जैसे शिवो हम कहने वाले हो या ब्रह्मा आत्म कहने वाले हो या पांव धुलवा करके पिलाने वाले हो, उन्होंने मारो किसको किया है? संग दूध किसको मारो किया है? मारो किसको किया है? व्यक्ति बताओ किसको मारो किया? जो बाबा को मारो किया। जो बाबा जब आते हैं तो जिस साकार सन के द्वारा मनन चिंतन मंथन का काम होता है तो बुद्ध रूपी पांव पखारे जाते, जल को पीते हैं। मैंने जो डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से सुनाई वेद वाणी वो पीने के काम नहीं आती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डायरेक्ट काम में नहीं आता, रिफाइनरी में डाला जाता है तब काम में आता है। ऐसे ही शिवने आकर के जो ज्ञान दिया वो मनन चिंतन मंथन के बाद जो उसमें से सार निकलता है वो पीते, वो अमृत है, उसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। जो पीते रहेंगे तो मरेंगे नहीं, रोज क्लास करते रहे तो और अच्छा, कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियन बन के तो जिंदा रहे। नहीं दिन में एक बार कम से कम अटेंड तो करे तो भी रेगुलर कहा जाए। तो ये गुरुओं ने फारो किया है किसको? प्रजा पिता को फारो किया, आत्मा तो परमात्मा, या सब गुरु की आत्मा परमात्मा। जो हम या वो गुरु लोग जो है उनमें जी प्रवेश करता है नहीं, ब्रह्मा आदमी मैं ब्रह्मा हूँ, क्या उनके द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलता है? तो राम कृष्ण को फॉलो किया है सन्यासियों ने। ये कोई सफेद वाले कपड़े वाले सन्यासी होते हैं, कोई रंगीन कपड़े वाले सन्यासी होते हैं, और कोई काले कपड़े वाले सन्यासी होते हैं। और जो लक्ष्मी होता है
भक्ति मार्ग की माध्यम एक भी मुरली का पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठता न एक ही सब्जेक्ट वाणी का पॉइंट बैठता। बाबा टाइम हो गया।